Hello students, I Sudhana now from Nirmala Convent High School. Hope you all are well in your home. As we know, we are going through a very critical moment. So take care of yourself and family too. Keep sanitize your hands properly time to time. Let's come to the topic. Today we are going to start our second chapter of SST of class 5. Second chapter, the grid on the globe. Let us learn about shape of the earth, globe, grid, lines of latitude, lines or longitudes. Warm up. Look at a globe. There are some lines on it. Fill in the missing letters to complete their names. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पेज को फिलअप कर दिया है, तो आप इसको कॉपी में कर लेंगे. शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस. फर्डिनेंड मैगेलियन, ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. Pictures taken from space have also proved that the earth is a like a sphere. It is round but is slightly flattened and the top and the bottom. प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी सपाट थी और खड़ी किनार थे. फर्डिनेंड मैगेलियन, एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर, दुनिया भर में रवाना हुए और साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है. अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने भी साबित कर दिया कि पृथ्वी एक क्षेत्र की तरह है. यह गोल है लेकिन थोड़ा ऊपर और नीचे पर चपटा है. वाइल इन सर्विस ऑफ स्पेन द पुर्तगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलियन लेड द फर्स्ट यूरोपियन वॉयज ऑफ डिस्कवरी टू सर्कमनेविगेट द अर्थ. स्पेन की सेवा करते समय फर्डिनेंड मैगेलियन ने प्रथम यूरोपीय यात्रा का नेतृत्व करते हुए पृथ्वी का नेविगेट किया. विद द सपोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स फाइव ऑफ स्पेन, मैगेलियन सेट आउट टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट एट द स्पाइस आइलैंड्स. स्पेन में राजा चार्ल्स बनाम स्पेन की मदद से मैगेलियन ने मसाला द्वीपों में एनालाइट मार्ग खोजने के लिए तैयार किया. ऑन हीज वे बैक टू सर्वाइल द स्पेनिश क्रू बिकेम इन्वॉल्व्ड इन ए बैटल एंड मैगेलियन वाज किल्ड इन इट ऑन अप्रैल 27, 1521. रूस से विल वापस जाने के रास्ते में स्पेनी क्रू बेट में शामिल हो गए और मैगेलियन के 27 अप्रैल 1521 ईस्वी में मार दिया गया. ग्लोब, ए ग्लोब इज ए थ्री डिमेंशनल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट on once. A model of the earth helps us to see what the earth looks like. एक ग्लोब पृथ्वी के तीन आयामी गोलाकार मॉडल है. पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम एक बार में यह सब नहीं देख सकते. पृथ्वी का मॉडल हमें देखने में मदद करता है कि पृथ्वी कैसी है. Look at the picture of globe. You can make it spin around and around like a top. Similarly, the earth spins or rotates on its axis. You can see the axis on the globe. It is a metal piece or pole that runs through the globe from top to bottom. On the earth, the axis is an imaginary line. The top of the axis is North Pole. The bottom of the axis is the South Pole. The globe is tilted to one side because the earth itself is tilted there.
tilt max an angle of 23.5 degree and causes different seasons on the earth. दुनिया के चित्र को देखे आप इस चोटी की तरह घुमा सकते हैं, इसी तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, हम तुम दुनिया का अक्ष देख सकते हो। या एक धातु का टुकड़ा या ध्रुव है जो ग्लोब के ऊपर से नीचे तक चलाता है, पर दक्षिण ध्रुव शताब्दी दुनिया पृथ्वी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, शीर्ष अक्ष का उत्तरी ध्रुव है, अक्ष का निचला भाग दक्षिणी ध्रुव है। विश्व एक ओर झुका हुआ है क्योंकि पृथ्वी ही झुका हुआ है। यह झुकाव 23.5 का एक कोण बनाता है और पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों का कारण बनता है। ग्रिड, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ सम इमेजिनरी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ दैट लाइंस हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस प्रीसीसली ऑन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्रिड पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का एक नेटवर्क है। ये रेखाएं हमें पृथ्वी के किसी भी भाग पर ठीक से किसी स्थान का पता लगाने में मदद करती है। इन पंक्तियों को अक्षांश और देशांतर की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स, हॉरिजेंटल लाइंस ऑन द अर्थ आर लाइंस ऑफ लेटिट्यूड। They are also known as parallels of latitudes because they run parallel to the equator, which runs horizontally and divides the earth into two hemispheres. पृथ्वी पर क्षैतिज लाइनें अक्षांश की रेखाएं हैं। इन्हें अक्षांश का समांतर भी कहा जाता है क्योंकि वे भूमध्य रेखा के समांतर चलते हैं जो क्षैतिज रूप से चलता है और पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करता है। लाइंस ऑफ लेटिट्यूड्स आर ए न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ए प्लेस इज लोकेटेड। द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लेटिट्यूड एंड दैट इज वाई इट इज मार्क्ड 0 degree latitude. The number of degrees will be greater the further away from the equator the place is located. Latitude locations are given as 90 degrees north or 90 degrees south. अक्षांश रेखा एक संख्यात्मक तरीका है यह जानने के लिए कि भूमध्य रेखा के कितने और उत्तर और दक्षिण में एक स्थान स्थित है। भूमध्य रेखा का प्रारंभिक बिंदु है। अक्षांश को मापने और यही कारण है कि यह 0 degree अक्षांश को चिन्हित करता है। डिग्री की संख्या अधिक होगी जगह भूमध्य रेखा से आगे दूर में स्थित है। अक्षांश स्थान भौतिक के रूप में 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में दिया जाता है। Lines of longitudes. Vertical lines on the earth are lines of longitude known as meridians. Lines of longitudes are a way to measure how to far a location is east of or west of a universal vertical line called the prime meridian. This line runs vertically north and south right over the British Royal Observatory in Greenwich, England from North Pole to South Pole. Being the vertical starting point of longitude, the prime meridian is numbered 0 degree longitude. परंपरा लंबाई के पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रेखांश की रेखाएं हैं जिन्हें मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। देशांतर रेखा या जाने का एक तरीका है कि किस स्थान पर एक सार्वभौमिक लंबवत रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थान है। यह रेखा ऊर्ध्वाधर उत्तर और दक्षिण है। ठीक ग्रीनविच में ब्रिटिश आर्य
के ऊपर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक विस्तृत है। रेखांश के प्रारंभिक बिंदु होने के कारण प्रधान योम्यतर के पूर्व या पश्चिम देशांतर को मापने के लिए मुख्य टू मेजर लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन देर आर 180 डिग्री वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। सो लॉन्गिट्यूड्स आर गिवेन एज 100 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट। द 100 डिग्रीज लाइंस इज ए सिंपल वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। रिमेंबर द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इन टू टू हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। रेखांश के प्रारंभिक बिंदु होने के कारण प्रधान यम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम देशांतर को मापने के लिए मुख्य मध्यांतर रेखा के पूर्व से 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाएं और 100 डिग्री ऊर्ध्वाधर रेखांश रेखाएं पश्चिम में मुख्य मध्याह्न रेखा के पश्चिम में है। इसलिए देशांतर स्थानों को इस रूप में दिखा दिया गया है, डिग्री पूर्व या डिग्री पश्चिम। 100 डिग्री लाइन एक एकल ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और सीधे प्रधान मध्याह्न रेखा के सामने है। याद रखें, प्रधान मध्याह्न रेखा भूमि को दो गोलार्धों में विभाजित करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, वी यूज द ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। टू लोकेट ए प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ द पैरेलल और लैटिट्यूड एंड इट्स मेरिडियन और लैटिट्यूड। द पॉइंट्स एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। विश्व में स्थानों का पता लगाने हम ग्लोब पर स्थानों का पता लगाने के लिए ग्रिड का उपयोग करते हैं। किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमें उसके समांतर या अक्षांश और उसके यम्योत्तर या अक्षांश के मानों का ज्ञान होना चाहिए। वह स्थान जिस पर समांतर और यम्योत्तर क्रॉस एक दूसरे का स्थान होता है। तो बच्चों, आपको टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर सी ट्रू फॉल्स एंड डी नंबर कंप्लीट द सीरीज। ये आपको होमवर्क में करना है और चैप्टर को दो तीन बार रीड करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें।